I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. आज इस वीडियो में हम लोग टाटा नेक्सॉन की माइलेज टेस्टिंग करेंगे और यहाँ पे हम लोग टैंक फुल करा के ट्रिप को स्टार्ट कर देंगे और हम लोग यहाँ टैंक टू टैंक टेस्टिंग करने वाले हैं और ये टेस्टिंग करेंगे हम लोग प्लेन्स में फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश एंड वी आर आल्सो गोइंग टू शेयर सम टिप्स इन द एंड कुछ ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स जिनको कंसिडर करके यू कैन गेट बेटर एवरेज एंड सेव फ्यूल. नाउ यू कैन सी टैंक ऑलमोस्ट फुल हो चुका है एंड यू कैन सी ये पूरा ऊपर तक आ चुका है and we are going to start our trip from the starting. Guys, we have already made a video on mileage testing, but that was in a starting phase. और ये video after second service है और हम लोग कुछ ऐसे step लेंगे जिससे हम fuel save कर सके और compare कर सके इस बार की mileage को पुरानी mileage से. So let's start our journey. हरिद्वार को पार करते हुए हम लोग आ पहुंचे हैं ऋषिकेश. अनडाउटेडली बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी. यहाँ पे हम टैंक को अगेन फुल कराएंगे जिससे कि हम लोग फिगर आउट कर सके कि दिल्ली से ऋषिकेश तक कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ है. स्टिल आई वुड से दिस प्रोसेस इज नेवर रिकमेंडेड बिकॉज हमें टैंक में थोड़ा स्पेस एयर के लिए छोड़ना चाहिए. सो दिस इज नॉट रियली सेफ. नाउ यू कैन सी टैंक इज ऑलमोस्ट फुल. ये पूरा ऊपर तक फुल हो चुका है एंड नाउ लेट्स सी अवर पेट्रोल कंजम्पशन. सो पेट्रोल कंज्यूम्ड इज 13.57 लीटर. इतने पेट्रोल की कंजम्पशन इस पूरी जर्नी में हुई है. नाउ फॉर द एग्जैक्ट एवरेज वी विल सी इन अवर MID की कितना डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर चुके हैं एंड वी हैव कवर्ड 243.8 किलोमीटर एंड अकॉर्डिंग टू MID हम लोगों की जो एवरेज हमें मिल रही है वो मिल रही है 20.3 किलोमीटर पर लीटर. टू कंक्लूड दिस ऑल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी इज 243.8 किलोमीटर एंड पेट्रोल कंज्यूम्ड इन दिस जर्नी इज 13.57 लीटर. According to this data, we get average of 17.97 kilometer per liter, and I think we should call it 18. और अगर आप हमारी last mileage video को check out करेंगे, तो you will get to know कि हमारी last video में we got actual tested mileage of 14.5 kilometer per liter. उसमें हमारी average MID के according 16 थी, जो अभी 20.3 है. Now you can see कि कितना अच्छा खासा change है average में. अब आपको कुछ ऐसे factors बताऊंगी जिनको आप consider करके better mileage ले सकते हैं. और इसमें से कुछ फैक्टर्स तो ऐसे भी हैं जिन्हें हम फॉलो नहीं कर पाए हैं. फर्स्ट स्टेप जो हमने बिल्कुल फॉलो नहीं किया है और करते तो हमें 1 or 2 पॉइंट का बेनिफिट तो जरूर मिलता और वो है रिड्यूस द लोड इनसाइड द कार. सो हम लोग एक लॉन्ग फैमिली ट्रिप पे हैं. सो दिस कार इज फुल्ली लोडेड एंड बूट इज ऑल्सो लोडेड. तो ये बेनिफिट हमारे पास नहीं है. अगर होता तो हम और भी बेटर माइलेज ले सकते थे. सेकेंड इज स्लोइंग डाउन द स्पीड. अगर आप स्पीड को बिलो 80 रखते हैं तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा एवरेज में. और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमने एवरेज को इम्प्रूव भी किया है. और अगर आप बिलो 70 रखेंगे तो आपको प्रोपोर्शनली भी काफी बेटर रिजल्ट मिलेगा. थर्ड पॉइंट इज टर्निंग डाउन द AC. बट इस पूरी ट्रिप में हमने AC ऑन किया हुआ था. नाउ जस्ट इमेजिन कि हम अगर नॉन AC आते तो हमें इसमें कितना बेनिफिट होता. मतलब अनडाउटेडली ये 20 तो कहीं ना कहीं आपका टच कर ही जाता कंसिडरिंग दैट कि कार पूरी तरह से लोडेड थी. और तो अगर आप बिना AC मैनेज कर सकते हैं सो इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू स्लाइटली मोर. नाउ वन मोर पॉइंट दैट इज एफिशिएंट यूज ऑफ पेडल. हर किसी का ड्राइविंग पैटर्न डिफरेंट होता है. अब अगर एग्जांपल के लिए अगर आप स्पीड से कार को ड्राइव कर रहे हैं देन एक सडन ब्रेक लेते हैं देन अगेन एक्सेलरेट करते हैं देन फ्यूल थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होता है. बार बार गियर बदलना क्लच प्रेस करना ब्रेक लगाना ये सब फैक्टर्स भी फ्यूल कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं. सो दिस वॉज अवर वीडियो एंड दैट वॉज ऑन माइलेज टेस्टिंग. नाउ यू कैन सी कि कितना बेटर डिफरेंस देखने को मिला है. इस वीडियो में हमने प्लेन्स में माइलेज को कवर किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिली एरिया में माइलेज को कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद अस गाइज़.